आगे बढ़ते, बागेश्वर के कंडाधार में एक युवक आशीष कुमार ने अपने पड़ोसी पर उसकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपी पर अभी कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जमीन है, हम इसमें अवैध कब्जा किया जा रहा है। विपक्ष से जो है उनके जो घर के सदस्य बड़े वाले हैं, इनके आनंद प्रसाद, इनके तीन पुत्र हरीश, नरेश और पूरन चंद्र, इनके तीन बीबियां हमको जान मान के धमकी दे रहे हैं और क्या बोलते हैं क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कल चौथी बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और जो मैंने कल लाइव डाली थी वीडियो, प्रशासन मेरे को प्रेशर दे रहा है कि वीडियो डिलीट करो। अरे मैंने ये बोला उनसे, जो हमको मारा जा रहा है, जब 504 और 506 की धारा लगनी चाहिए थी उस टाइम इनके ऊपर लगी होती तो आज इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और SDM ये CM हेल्पलाइन नंबर बोल रहा है, ये SDM साहब भी बोल रहे हैं कि हाँ ये अवैध कब्जा छोड़ दिया गया है। और ये कहाँ छोड़ दिया गया है, कल जो वीडियो बनी है वो किस कारण बनी, क्यों बनी है, और प्रशासन आज आगे क्यों नहीं है।